इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीनियर के ऊपर कम खर्चे में पॉलिश कैसे होती है। ये इसके ऊपर वीनियर लगी हुई है, ये मंदिर है। वीनियर के ऊपर हमें ब्राउन कलर की पॉलिश करनी है, वॉलनट लाइट कलर में। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो मैखे लगी होती हैं, कील लगी होती है, उसको अंदर कर लेते हैं। ये प्लाई को रोकने के लिए जो कीलें लगी होती हैं, इसको अंदर करना पड़ता है। कील को अंदर करने के लिए हमें चाहिए होगी एक हथौड़ी और एक कील, या आप सुम्मी वगैरह भी ले सकते हैं। और इस तरह से ठोक के इनको अंदर कर देना है। ये इतनी अंदर करनी है कि प्लाई विनियर से थोड़ी सी अंदर चली जाए, ताकि बाहर ना दिखे बाद में रिपेयर करने के बाद में। और इस तरह से कीले अंदर कर लेनी है। उसके बाद में हमें रेगमाल लगाना है इसके ऊपर। रेगमाल 150 नंबर का लगाएंगे, वाटरप्रूफ का। और इस तरह से इसके ऊपर दबा के अच्छी तरह से रेगमाल लगा लेना है हमें। ये रेगमाल लगाने के बाद में इसके जो ग्रुप हैं, उसमें हम लगाएंगे पट्टे वाला रेगमाल। ये पट्टे वाला 100 नंबर का रेगमाल है, और इसको ग्रुप में ही लगाना है, बाकी प्लाई वीनियर के ऊपर कहीं नहीं लगाना है। और इस तरह से इसके ग्रुप में मार लेंगे इसको, ताकि ग्रुप बराबर हो जाए। इसमें कहीं कहीं फेविकोल भी लग जाता है, तो वो भी इससे साफ़ हो जाएगा। और ये लग चुका है पूरा रेगमाल हमारा। अब इसके ऊपर पेंसिल के जो दाग होते हैं, पेंसिल या पेन के, तो उसको थिनर से मिटाएंगे हम। ये थिनर है, थिनर आप इसमें कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, एनसी थिनर, मेलामाइन थिनर। ये इस तरह से इन दागों को मिटा देना है पहले ही। दाग मिटाने के बाद में अब इसके ऊपर हम मारेंगे पॉलिश। ये स्प्रिट पॉलिश है, ये स्प्रिट और लाख दाना को मिक्स कर कर बनाई गई है। इसको यूज करने से पहले इसको धूप में रखना पड़ता है 1-2 घंटे के लिए। जब ये गर्म हो जाती है तो इसको यूज किया जाता है, इस तरह से कपड़े से छान के। और अब इसके ऊपर 1 या 2 हाथ मार लेंगे हम। और ये लग चुकी है इसके ऊपर पॉलिश। अब इसके ऊपर हम पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के लिए हमें चाक मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये चाक मिट्टी है, और ये सेना, ये रेड कलर का सेना है, ब्रांड सेना। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा रा सेना भी मिक्स करेंगे इसमें। इसका कलर हमें जिस तरह की वीनियर है उसी तरह का कलर बनाना है। तो फिर इसको पानी से घोल के पेस्ट की तरह बना लेंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा फेविकोल भी ऐड कर सकते हैं।
और इस तरह से पूरी विनियर के ऊपर इसको खींच देना है। इसको खींचने से हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें माल भी कम लगता है और इसकी भराई भी फुल हो जाती है। अगर आपको पाउडर नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप जहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं उन उस पर वुड फिलर भी भर सकते हैं। मैं इसमें वुड फिलर का प्रयोग नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ यही पाउडर ही डाला है इसके ऊपर, इससे कि जहाँ पे रिपेयर है वो भी दब जाएगा और हमारी नस की भराई भी हो जाएगी, जिससे कि माल कम लगेगा। और इस तरह से खींच देना है इसको। और ये हो चुका है पूरा, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमल लगाएंगे। रेगमल आप 150 नंबर या 220 नंबर का रेगमल प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और अच्छी तरह से घिस के जितना एक्स्ट्रा पाउडर लगा हो उसको निकाल देंगे। बाकी जो कील के निशान वगैरह हैं उसमें ये भरा रह जाएगा, वहाँ से नहीं निकलेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा रेगमल लगाने से। रेगमल लगाने के बाद में इसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में फिर से हमें मारनी है इसके ऊपर स्पिरिट पॉलिश की एक दो गद्दी। और ये लग चुकी है इसके ऊपर स्पिरिट पॉलिश, मैंने इसके ऊपर दो हाथ मारे हुए हैं। अब इसके ऊपर कलर चढ़ाना है हमें। कलर चढ़ाने के लिए हम इसमें वॉलनट का प्रयोग करेंगे। वॉलनट है ये वुड स्टीनर, इसको पॉलिश में मिक्स करना पड़ता है। उसके बाद में इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से कलर चढ़ाना पड़ता है। इसको आपको जितना भी डार्क करना हो उतनी गद्दी इसके ऊपर मार देंगे, उतना ही डार्क होता चला जाएगा ये। इसी तरह से जितना भी डार्क करना हो आपको उसकी उसके ऊपर इतनी ही गद्दी मार लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर नेचुरल पॉलिश करनी हो तो इसके ऊपर कोई कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये हो चुका है हमारा कलर। अब इसके ऊपर मारेंगे हम सीलर, ये है मेलामाइन सीलर। इसको 1 लीटर को बनाने के लिए 100 ग्राम का हार्डनेस में पड़ता है। ये आपको जितना यूज करना है उतना ही बनाना है, क्योंकि ये 2-3 घंटे के बाद में ख़राब हो जाता है। और इसको पतला करने के लिए इसमें मेलामाइन थिनर मिक्स करना पड़ता है। और सारा आइटम डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर पड़ता है इसको बनाने के लिए। उसके बाद में इसके ऊपर मार देंगे। इस सीलर का हमें सिंगल कोट ही मारना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर पाउडर डाला हुआ है जिससे कि उसकी नसें काफ़ी हद तक भर चुकी हैं, तो ये 1 कोट सीलर मारने से ही आ जाएगा। अगर हमने पाउडर न डाला होता इसके ऊपर तो हमें 2 कोट मारने पड़ते सीलर के, इससे कि हमें 1 कोट का फायदा हो गया है। और ये हो चुका है हमारा सीलर इसके ऊपर। अब इसको 8-10 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में अगला स्टेप करेंगे इसके ऊपर।
और अभी ये सूख चुका है पूरा। अब इसके ऊपर रेगमल लगाएंगे 320 नंबर या 400 नंबर का। इस तरह से इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। रेगमल आप पानी के साथ में भी यूज कर सकते हैं या आप सूखा भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपको लगा सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह से इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है। रगड़ने के बाद में इसको कपड़े से साफ कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसके ग्रुफ भरना है। ग्रुफ भरने के लिए मैंने ब्राउन डिको पेंट का प्रयोग किया है इसमें। आप चाहें तो ये कलर पॉलिश में भी बना सकते हैं। और इस तरह से कलम लेके एक सारे ग्रुफ भर देने हैं इसके। और ये हो चुके हैं सारे ग्रुप। अब इसके ऊपर हमें पॉलिश मारनी है, स्प्रिट पॉलिश। और इसमें हमें थोड़ा सा वॉलनट भी मिक्स करना है कलर, ताकि जहाँ पे कलर थोड़ा बहुत उड़ गया हो वो भी इससे सेट हो जाएगा और हमारी सफाई भी हो जाएगी इससे। इसके ऊपर से भी अगर आपको कलर डार्क करना है तो डार्क कलर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मुझे थोड़ा सा डार्क करना है तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है तो इसके ऊपर ज़्यादा गद्दियाँ मार दीजिए, डार्क हो जाएगा ये। और ये हो चुका है हमारा कलर सेट। अब इसके ऊपर टॉप कोट ही मारना है हमें। टॉप कोट के लिए आपको अगर मैट करना है तो इसके ऊपर मेलामाइन मैट मार देंगे, अगर आपको ग्लोसी करना है तो मेलामाइन ग्लोसी मार देंगे इसके ऊपर। इसको भी बनाने का प्रोसेस सेम ही है, जैसे हमने सीलर बनाया था वैसे ही इसको भी बनाना है। 1 लीटर में 200 ग्राम थिनर और 100 ग्राम हार्डनर। फिर इसको कपड़े से छान के गन में भर लें और फिर इसके ऊपर मारना है हमें। मारने से पहले आसपास का एरिया उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, मिट्टी वगैरह ना हो। उसके बाद में इस तरह से मार देंगे इसके ऊपर। एक कोट मारने के बाद में अगर आपको लगे कि सफाई पूरी नहीं आई है, फिनिशिंग नहीं हुई है, तो 8-10 घंटे के बाद इसके ऊपर 400 नंबर का हल्का हल्का रेगमल लगा के इसके ऊपर डबल कोट भी मारा जा सकता है। और ये हो चुका है पूरा फिनिश। ये मैंने इसके ऊपर मैट मारी है, मेलामाइन मैट। मैंने एक कोट में इसको फिनिश कर दिया है। अभी ये साइन कर रहा है, जब ये सूख जाएगा तो ये बिल्कुल मैट फिनिश में हो जाएगा, साइनिंग ख़त्म हो जाएगी इसकी।